भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में देश की तमाम बड़ी कंपनियों का निजीकरण करने में जुटी हुई है। देश में आर्थिक मंदी चरम पर है, लेकिन देश का पैसा कहां जा रहा है ये किसी को भी नहीं मालूम। आपको बता दें कि देश की जानी मानी कंपनी यानी कि सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 91% से कम कर सकती है। हालांकि सरकार और उसके स्वामित्व वाली कंपनी इंडियन ऑयल पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट अगले सप्ताह कुछ कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने पर विचार करेगी। इसमें इंडियन ऑयल की हिस्सेदारी 91% से कम करना भी शामिल है। सरकार की इंडियन ऑयल में 91.5% हिस्सेदारी है और बाकी 25.9% हिस्सेदारी LIC, ONGC और ऑयल इंडिया के पास है। आपको बता दें कि राजस्व संग्रह में कमी के चलते मोदी सरकार के पास अब सीमित विकल्प बचे हैं, इसलिए वो विनिवेश में से 1.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर काम कर रही है। अगर सरकार विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहती है तो GDP की तुलना में राजकोषीय घाटा 3.3% से ऊपर जाने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं रेटिंग एजेंसियों भारत के क्रेडिट स्कोर को भी डाउनग्रेड कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी किया गया था, BPCL को बेचने वाला ऐलान। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी जल्द ही निजी हाथों में चली जाएगी। केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL में अपनी 93% से अधिक हिस्सेदारी को बेचने जा रही है, इसलिए सरकार की तरफ से सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। BPCL की नेटवर्थ फिलहाल 55,000 करोड़ रुपए हैं। अपनी पूरी 53.3% बेचकर सरकार का लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए की उगाही करने का है। इसके लिए संसद में भी मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। पिछले साल सरकार ने ONGC पर HPCL के अधिग्रहण के लिए दबाव डाला था। इसके बाद संकट में फंसे IDBI बैंक के लिए निवेश नहीं मिलने पर सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में LIC को बैंक का अधिग्रहण करने को कहा था। सरकार विनिवेश प्रक्रिया के तहत संसाधन जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड फंड का भी सहारा लेती आई है। अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट ने पूर्व में PCU कंपनियों में कम से कम 91% हिस्सेदारी रखने का फैसला किया था और अब कैबिनेट को ही हिस्सेदारी इस स्तर से नीचे ले जाने पर फैसला करना होगा। उन्होंने कहा, सरकार चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्रीय उपक्रमों यानी कि CPSE में हिस्सेदारी 91% से कम करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। अधिकारी ने कहा कि ये संभव है, लेकिन इसके लिए कंपनी कानून की धारा 241 में संशोधन की जरूरत होगी। सरकार ने गुपचुप तरीके से उस कानून को खत्म कर दिया है जिस कानून से कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ है। ऐसे में कंपनी निजी हाथों में बेचने के लिए संसद में मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। दरअसल मोदी सरकार ने रीअपेलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट को साल 2016 में ही खत्म कर दिया था, जिसके तहत 187 अप्रचलित और निरर्थक कानून की रद्दी की टोकरी में चले गए। नवंबर के पहले हफ्ते में सरकार निविदा निकालेगी, जिसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।